अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बारिश हो रही है और हम छाता लेके बैठे हैं। मैंने चरपाइयां निकालनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बैठने के लिए और ऊपर से बारिश शुरू हो गई है। अभी हम लोग चरपाइयां बिछा के बैठे हैं और अभी फिर बारिश होना शुरू हो। मगरिब की अजान का टाइम हुआ चाहता है तो देखो आप। तो बारिश ऐसे हो रही है जैसे सर्दियों में होती है ना। सुबह शाम रोज बारिश। माशाल्लाह, बस रहमत वाली बारिश हो। सबके लिए ये बारिश रहमत ही बनकर आए, अल्लाह करे आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां। मैंने बाहर सलाम नहीं किया था, मैंने कहा अंदर जाके सलाम करूं। देखो मैंने कैसे खेस पहन के ना वीडियो शूट की है। इतनी अच्छी बारिश आ रही थी, बस अल्लाह करे रहमत की बारिश हो। बारिश तो हो रही थी लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि लाइट नहीं गई थी। तो अब्दुल्ला ने अपना होमवर्क कर लिया है। शाम के टाइम में इसको होमवर्क याद आता है। सारा दिन तो खेल में लगा रहता है लेकिन सोने से पहले इसको याद आता है कि मैंने होमवर्क भी करना है। तो मैं इसको करवा रही थी होमवर्क और शुक्र कर रही थी कि शुक्र है बारिश नहीं हुई। लेकिन मौसम अभी भी बाहर बहुत ख़राब था और ये सुबह हो गई है, यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है। अभी जो है ओले आ रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखें मेरे हाथ लगा, छोटे छोटे हैं लेकिन आज यहाँ स्कूल भी नहीं जा सकता। मैं तो स्कूल भी नहीं जा सका इन ओलों की वजह से। ऊपर भी सारा मौसम खराब हो गया। घर पर दुआ फकीर रहम अल्लाह, जो दे उसका भला जो ना दे उसका भला। अल्लाह आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह आपके बच्चों के कारोबार में बरकत करे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे अम्मा, अल्लाह की रहमत हो आपके घर पर। आमीन अल्लाह आमीन। जुमेरात का दिन था तो कुछ ना कुछ हमने सोचा बांट देते हैं। कुछ पकाया तो जा सकता नहीं क्योंकि एक तो मौसम खराब है, दूसरा गैस नहीं आती है। तो कुछ भी पका कर बांटना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। खाना जो हमारा बनता है ना खाने के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और इस टाइम 4 बज रहे हैं, बादल अभी भी बने हुए हैं, मौसम इतना अच्छा है। तो हम आपके पापा को कह रहे थे कि हमें कहीं ले चलें, मौसम आजकल अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आपके एक सब्सक्राइबर जो आपको काफी दिन से बुला रही है उसी के घर चलते हैं, तो वहां पे DHA में भी घूम लेंगे। जो एक मेरी सब्सक्राइबर है मुल्तान से, DHA में रहती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप हमारे घर आइएगा। तो हम मैंने कहा था ठीक है आएंगे किसी दिन। अब हस्बैंड की जो जॉब है ना वो भी उसी रास्ते पे ही है, तो उन्होंने कहा कि वो जगह भी अच्छी है घूमने के लिए, मतलब अब्दुल्ला थोड़ा आउटिंग भी कर लेगा। हम लोग DHA देख भी लेंगे, काफी तारीफ सुनी है कि DHA जो है ना बहुत प्यारा बना हुआ है, वो एरिया जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी देख लेंगे। और हमारी जो वो सब्सक्राइबर हैं उनके घर से भी होते आएंगे, मौसम को भी इंजॉय कर लेंगे। तो उसी की तैयारी की है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, अम्मी और अब्दुल्ला भी तैयार है। यहाँ से हम जाएंगे रिक्शे में, यहाँ से जाएंगे हम जहाँ पे आपके पापा काम करते हैं, ऑफिस उनका जहाँ पे है वहां पर हम लोग जाएंगे। क्योंकि फिर अगर वो छुट्टी के बाद हमें लेने आएंगे ना तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो आप यहाँ तक आ जाओ, आगे से फिर मैं पिक कर लूंगा। तो फिर आगे से उनके साथ जाएंगे DHA में, जो बाकी आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या होता है वहां पे। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, बादल बने हुए हैं, बस लग रहे बारिश ना हो, मौसम ऐसे ही अच्छा ही रहे। और अम्मी की तरफ से भी सब प्यारी प्यारी बेटियों को, बेटे बहन भाई सब जो देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरी दुआ है अल्लाह पाक की रहमत हो और रिस्क में बरकत हो, जो बीमार हैं वो सेहत याब हो जाएं, कोई परेशानी उनके घर ना आए, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैं भी तैयार हो गई हूँ, अब्दुल्ला भी तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो आपने जुड़े रहना है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। हाँ जी,
आज डीएचए जा रहे हैं, मुल्तान का डीएचए जी। तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, वहीं पे किसी ने हमारी दावत भी की है तो वहीं पे भी चलेंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहिए हमारे साथ। रास्ते में है अभी ट्रेन आने वाली है तो फाटक बंद हुआ हुआ, उसका इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। दिखाएं डॉगी, दिखाओ मैं। वो देखें डॉगी कितना बड़ा है। और ये बैठी हैं अम्मी, फ्रूट ले रहे हैं उनके लिए जिनके घर जा रहे हैं ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अम्मी कह रही पहले चेक करूंगी फिर पैसे दूंगी। अब्दुल्लाह के पापा आ गए थे तो यहाँ पे अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो यहाँ से हमारा सफ़र अब थोड़ा कंफर्टेबल गुजरेगा। अच्छा, मैंने उनको बोला था कि हम आपके घर 7 बजे आएंगे, तो 7 बजने में भी काफ़ी टाइम है। ऐसा करते हैं पहले डीएचए में जो ज़ू है ना, पहले वहाँ घूम लेते हैं। यहाँ पे आम का पौधा लगा हुआ है, देखिए आम भी उसके ऊपर लगे हुए हैं, कच्चे आम कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अभी हैं कच्चे। डीएचए से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक दूसरी कॉलोनी है जो कि है बुच विलाज, इसका नाम है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा आपको यहाँ पे चक्कर लगवाता हूँ, देखो कितनी अच्छी कॉलोनी बनी हुई है। तो बहुत प्यारी यहाँ पे सड़कें और बहुत प्यारे प्यारे घर, खूबसूरती और सफाई और सिक्योरिटी भी माशाल्लाह। ऐसी कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं ना, उनको मतलब बहुत सारी सहूलियात होती हैं और उनकी ऐश है, उनकी ज़िंदगी है।
देखो अभी ये दूसरा चिड़ियाघर है जिसमें हम लोग गए हैं। अभी पिछले दिनों बहावलपुर का चिड़ियाघर देखा था तो अब मुल्तान का चिड़ियाघर देखा है। लेकिन अगर दोनों का मुकाबला किया जाए तो DHA का जो ये है चिड़ियाघर, ये उससे बहुत अच्छा है, बहावलपुर वाले से अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, खूबसूरती है और जानवर भी यहाँ पर मुझे तो उस वाले से अच्छे ही लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ये थे कि मोर थे, परिंदे ज़्यादा थे, जानवर कम थे, लेकिन यहाँ पे हर तरह के जानवर थे। अगर आप मुल्तान के रहने वाले हैं और अगर आप ज़ू देखना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो बहावलपुर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप DHA जाएं। और यहाँ का जो ज़ू है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहावलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। नाम तो है कि बहावलपुर का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है और बहुत मशहूर है, हम लोगों ने भी बहुत सुना हुआ था, लेकिन जब हम दोनों को देख आए ना, तो अब हमें पता चले कि नहीं, उससे अच्छा तो अपने मुल्तान में ही है, तो वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। DHA जाएँ, वहाँ पर बहुत प्यारा सा ज़ू बना हुआ है। तो देख लिया, अब जा रहे हैं आगे, जो सब्सक्राइबर है उनके घर, उनसे मिलने जा रहे हैं। ये पीछे अम्मी और अब्दुल्ला हदा, आगे फिर आपको जाके दिखाते हैं, अगर वहाँ पॉसिबल हुआ तो उनका घर दिखाएंगे, पॉसिबल ना हुआ तो फिर नहीं दिखाएंगे। वहाँ पार्किंग एरिया है, गाड़ी है वहाँ पे। यहीं पे गाड़ी ले आए हैं ना। ये देखे, ये ज़ू है, ये अम्मी थक गई है ना चलते चलते। ज़ू में जब भी जाओ ना बंदा थक जाता है। ये हम आ गए हैं अनसब्सक्राइबर के घर पे,
तो अंदर जाते हैं। आ गए जी अपने सब्सक्राइबर के घर पे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे घर। सोदिया नाम है इनका, और पहले तो जब मैंने बताया मुझे लगा इनका भी कोई चैनल होगा, लेकिन बाद में तो चलो इनका कोई चैनल नहीं है, इसने बस ऐसे ही लुक्स ने हमें बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है, ऐसा ही फील हो रहा है। ये अब्दुल्ला बना रहे वीडियो, मम्मी का दिखाओ अब्दुल्ला, आज खाला के घर की तो बना को भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी सोबिया। उन्होंने कहा कि बस आपका अपना घर है, आप अगर वीडियो बनाना चाहो बिल्कुल बना लो। हमने इजाज़त पहले उनसे ली फिर वीडियो बनाई, और इतनी अच्छी अखलाक की थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम इनसे पहली दफ़ा मिले हैं। बहुत 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 ही अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। और उनकी अम्मी भी उनके साथ ही रहती थी, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हम जाके उनसे भी मिले उनके कमरे में। तो आंटी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, आप सब लोग देखने वाले दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आंटी को सेहत दे और जल्दी से ठीक होकर खुद चल फिर सके। अभी तो ये है कि वो खुद नहीं उठ के चल सकती, उनके लिए उन्होंने व्हील चेयर रखी हुई थी। अल्लाह पाक हम सब पे बुज़ुर्गों का साया सलामत रखे, आमीन। सोबिया के जो बड़े बेटे हैं ना, तो कह रही थी कि उसको ना देसी चीज़ों का बड़ा शौक है, तो ये मिट्टी का चूल्हा और ये मिट्टी वाला तंदूर मेरा बेटा लेकर आया है, कहता है मामा इसको लगाओ और इस पे खाना बनाएंगे, तो इसके जो जायका होता है ना वो मुझे बड़ा पसंद है, और उसकी एक अलग ही बात होती है। खाना खाने लगे आप लोगों ने भी खाना तो आता है। हाँ जी, मैं प्लेट दे दूँगी। पहले तो हाथ के पापा कह रहे थे कि मैं अंदर नहीं आता, आप लोग जाओ खा लो, मैं बाहर आप लोगों का वेट करता हूँ। लेकिन इन्होंने फिर इतने प्यार से इतने खलूस से कहा कि नहीं नहीं भाई को भी बुलाएं, वो भी खाना खाएं। तो फिर आज जाके उनको बुला कर ले आया था अंदर। तो खाने में माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, उन्होंने इतना कुछ बना लिया, चावल थे, करेले गोश्त का सालन था, चिकन का सालन था, कबाब थे, दही भल्ले थे, और मीठे में गुलाब जामुन थे। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। अब्दुल्ला ने चावल बहुत शौक से खाए हैं। बस खाना खाने के बाद हमने उनसे इजाज़त चाही क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था और सफ़र हमारा घर तक बहुत लंबा था। घर आए हैं, घर पे लाइट ही नहीं है, जब भी कहीं से बाहर से आओ ना और घर में लाइट ना हो, एक तो थके हुए होते हैं बंदा, बहुत बुरा लगता है। खैर अभी आए हैं बाहर, चार भाई अम्मी ने निकाली हैं बाहर, लेट गए हैं। अब्दुल्ला को तो नींद आ गई, इसको तो रास्ते में भी नींद आ रही थी, सो गया। और शुक्र है अल्लाह का कि मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही है, तो सुकून आया हुआ है, नींद आ रही है। शुक्र है कि गर्मी नहीं है, बारिश होती रही है ना, मौसम अच्छा है। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छी थी सोफिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सोबिया को थैंक यू, अभी वो देख रही होंगी। थैंक यू सोबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज़, अपना रखना है बहुत सारा ख्याल।